जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर लद्दाख से निकलकर आ रही है, जहां मां भारती के 5 लाडले बेटे ने देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। लद्दाख के न्योमा चुसूल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्योक नदी का जल स्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सभी जवानों की मौत हो गई है। इनमें से एक जूनियर कमिशनड ऑफिसर जेसीओ भी थे। घटना शुक्रवार की रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। वहीं जानकारी शनिवार को सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात 72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख से सासोर ब्रगंगा में स्योक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स के मुताबिक हादसा एलएसी के चुसूल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ था। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और जलस्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। 5 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनकी पहचान रिसालदार एमआर के रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लंस दफादार अब्दुम तैयबम, हवलदार ए खान और नागराज पी के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्योक नदी के ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ गया था। रात होने के चलते जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर T-72 टैंक पर कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है। हालांकि हादसे के वक्त टैंक पर 5 जवान सवार थे। T-72 टैंक 5 मीटर गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है। एक छोटे डायमीटर वाले स्कॉनल की मदद से नदी पार करता है। पानी के अंदर टैंक का इंजन बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव होने के कारण इंजन में पानी भर जाता है। इमरजेंसी के लिए इस पर सवार क्रू के सभी सदस्यों को रिब्रिद्र दिया जाता है। मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख में नदी के पार टैंक ले जाते समय हादसे में हमारे 5 बहादुर सेना के जवानों की जान जाने पर दुख हुआ है। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि लद्दाख में टैंक के नदी पार करने से सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुए जवानों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुख की इस घड़ी में सभी शहीद जवानों के परिजनों के साथ खड़े हैं। बता दें कि मां भारती के लाडले बेटों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों के चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं। बता दें कि लद्दाख में पिछले साल सेना की एक गाड़ी 60 फीट खाई में गिर गई थी। हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई थी। सेना के इस काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें 34 जवान सवार थे। इस हादसे में एक जवान घायल भी हुआ था।